सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया की बड़ी टेंशन, ये धांसू तेज गेंदबाज हो गया चोटिल, इस खिलाड़ी को मिलेगी टीम में एंट्री। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है और सेमीफाइनल मुकाबले से पहले ही टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि टीम इंडिया का एक अहम तेज गेंदबाज चोटिल हो गया है और अब उसकी जगह पर क्या दूसरे खिलाड़ी को टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी, इसको लेकर अब भारतीय टीम में परेशानी चल रही है। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 15 तारीख को। ये मुकाबला मुंबई में होगा और इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि टीम इंडिया का एक स्टार तेज गेंदबाज चोटिल हो गया है। मोहम्मद सिराज हो गए सेमीफाइनल से पहले चोटिल। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज को सेमीफाइनल मुकाबले से पहले चोट लग गई है, जिसकी वजह से टीम इंडिया टेंशन में आ गई है। दरअसल मुकाबला सेमीफाइनल से पहले इंडिया और नीदरलैंड का था, जिसमें मोहम्मद सिराज की चोट ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज कैच लेते वक्त चोटिल हो गए और मैदान से बाहर चले गए थे। बता दें कि पारी के 15वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर मोहम्मद सिराज कैच पकड़ने गए, लेकिन वो कैच उनसे छूट गया और कैच छूटते वक्त मोहम्मद सिराज को चोटिल भी कर दिया। हाई कैच लेते वक्त सिराज ने अपने दोनों हाथ गले के बिल्कुल करीब रखे हुए थे। गेंद सिराज के हाथ से निकली और सीधा उनके गले के करीब लग गई, जिसके बाद मोहम्मद सिराज दर्द में भी दिखाई दिए और मोहम्मद सिराज ने जब वो कैच छोड़ा, उसके थोड़ी देर बाद ही वो मैदान से बाहर चले गए। उस जगह पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सिराज को चोट लगी है। बता दें कि इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने अपने कोटे के 10 ओवर भी पूरे नहीं किए। टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की। ऐसे में अब टीम इंडिया टेंशन में ये है कि सेमीफाइनल मुकाबले में अगर मोहम्मद सिराज नहीं खेले तो क्या होगा, क्योंकि टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों की टिकड़ी मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर इनमें से एक खिलाड़ी भी सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाता तो टीम इंडिया टेंशन में आ जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया अगर मोहम्मद सिराज को सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं खिला पाती है तो भारतीय टीम के पास क्या विकल्प है, तो आइए उन पर नजर डालते हैं। रविचंद्रन अश्विन, याद कीजिए इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन खेले थे और उसके बाद से वो लगातार बेंच पर बैठे, उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। रविचंद्रन अश्विन को अचानक ही वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया था। रविचंद्रन अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुभव लेकर शामिल होते हैं, और रविचंद्रन अश्विन अगर सेमीफाइनल मुकाबले में खेलते हैं तो उनका अनुभव जरूर टीम के काम आएगा। और ऊपर से मुंबई में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जिस तरीके विकेट की बात सामने आ रही है, उसे देखकर ये पता चल रहा है कि मुकाबले में ऐसी विकेट मिलेगी जो थोड़ा स्पिन गेंदबाजों को मदद करेगी। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन अगर टीम इंडिया में खेलेंगे तो रविचंद्रन अश्विन अपने स्पिन गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को परेशान कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर मोहम्मद सिराज फिट नहीं हो पाए या फिर उनकी परेशानी ज़्यादा हुई तो उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा, अब सवाल यह है कि अगर टीम इंडिया रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिलाना चाहती और टीम इंडिया चाहेगी कि एक तेज गेंदबाज को ही टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि भारत के तेज गेंदबाज उनकी सबसे बड़ी ताकत है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह मिल सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा को हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को अब खेलने का मौका मिल सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा एक बढ़िया तेज गेंदबाज है और अगर वो टीम में खेलते हैं तो मोहम्मद सिराज की जगह एक तेज गेंदबाज ही शामिल होगा। ऐसे में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जो कि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट देने के लिए तीसरा तेज गेंदबाज मिल जाएगा। लेकिन मोहम्मद सिराज की चोट को लेकर जो अभी खबर सामने आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि उनकी चोट बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि वो सेमीफाइनल मुकाबले के लिए फिट भी हो जाए और टीम इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि मोहम्मद सिराज को सेमीफाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरीके से फिट करके मैदान पर उतार दिया जाए, क्योंकि अब टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए दो ही मुकाबले खेलने हैं और ये दोनों मुकाबले टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ खेलना चाहेगी, ना कि कोई बदलाव के साथ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर मोहम्मद सिराज पूरी तरीके से फिट है तो उन्हें ही खिलाना चाहिए, या फिर अगर कोई रिस्क लेना है तो प्रसिद्ध कृष्णा या रविचंद्रन अश्विन में से किसी को खिलाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।